क्या इलेक्ट्रिक बाइक्स आर लो ऑन परफॉर्मेंस? इलेक्ट्रिक बाइक्स स्टाइलिश नहीं होती. टेक अ क्लोजर लुक. दे आर रॉन्ग. जॉय ई बाइक्स. राइड द चेंज. आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में उल्टन फलिया रिंग रोड पर स्थित एकदम सोसाइटी में हुआ कार्यक्रम आयोजित. नमस्कार, मैं आशीष झा आप सभी का स्वागत करता हूं सिलवासा न्यूज लाइन में. जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा देश एवं हमारा प्रदेश 13 से 15 तारीख तक आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है. इसी अवसर पर सिलवासा के उल्टन फलिया विस्तार में रिंग रोड पर स्थित एकदम सोसाइटी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सोसाइटी के सभी मेंबरों ने रंगोली बनाई और संस्कृत कार्यक्रम एवं कई तरह के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और पूरे सोसाइटी वालों ने मिलकर भारत माता की जय के नारे भी लगाए. देखिए इस विषय में सभी ने हमसे बात करते समय क्या कहा और ऐसे ही आसपास की खबरों को जानने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सिलवासा न्यूज लाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब करें और हम तक कोई भी खबर एवं विज्ञापन को पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करें. इधर देखो किस तरह से आज एकदम सोसाइटी में जो कार्यक्रम रखा गया था 14 अगस्त के दिन, क्या है कार्यक्रम और क्या खास एक्टिविटी कर रहे हैं आप लोग? हमारी सोसाइटी में 13 अगस्त से 15 अगस्त जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसकी तैयारी पूरी जोर शोर में है. हमारे सोसाइटी के सभी सदस्य मिलके, सभी निवासी मिलके 13 से 15 तारीख विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे और उसके लिए हमने कई तरह की प्रतियोगिता रखी है सोसाइटी के वासियों के लिए. और आज हमारा फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन और एक झांकी थी जो भारत माता के सभी देशभक्ति के हिसाब से, तो उसमें झांकी रखी थी और सब बच्चे और सब तैयार होके आए थे. तो उसमें हमारे विशेष अतिथि हार्दिक पुजारी जी, बक्कू भाई और संदीप तिवारी जी आए हैं. उन्होंने हमारे बच्चों को गिफ्ट भी दिया, उनके लिए तारीफ की, उनकी प्रशंसा की. और हार्दिक भाई ने हमारी जो सोसाइटी के सभी बच्चे और महिलाओं के लिए एक दिन के लिए रक्षाबंधन जो पिक्चर आई अक्षय कुमार की उसके लिए शो फ्री किया है. इसके लिए हमारे सभी महिलाएं और बच्चों की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार रहेगा. धन्यवाद हार्दिक भाई. जिस तरह से आज यहाँ पर सोसाइटी में आप आए हुए, काफी सारे बच्चों का मनोबल बढ़ाया, कहीं ना कहीं सिलवासा यूथ प्रेसिडेंट होने के नाते भी आप जहाँ जाते हैं यूथ के लिए कुछ अलग सोचते हैं, आने वाले समय में किस तरह से आप लोगों की है? क्योंकि अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है उसमें यूथ का भागीदारी जो देखा जा रहा है वो काफी अच्छा है. आज यहाँ पर आए कैसा रहा और यहाँ के लिए आगे आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं? ये जो एकदम सोसाइटी है उनको मैं तहे दिल के, उनके जो भी प्रेसिडेंसी है और सभी फैमिली मेंबर्स हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो हर घर तिरंगा कैंपेन है और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दिशा निर्देश के उपलक्ष्य में होने जा रहा है उसमें काफ़ी अच्छा उन्होंने ये जो फैंसी ड्रेस का कार्यक्रम किया और 13 से लेकर के 15 तक काफ़ी सारे इवेंट्स भी, रंगोली कॉम्पिटिशन, ड्राइंग कॉम्पिटिशन वगैरह वगैरह रखे. तो इससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो मेन मकसद हमारा इस कैंपेन का जो है, जो आने वाली पीढ़ी है वो जो नया भारत है उसे हमारे देश के प्रति, खास करके हमारे तिरंगा के प्रति किस प्रकार का लगाव हम लगा सके, तो उसमें निश्चित रूप से दानाहा के प्रशासक महोदय का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ कि कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ पे इस सोसाइटी में आए भी थे हमारे प्रशासक की जो नगर पालिका की टीम है पाटिल सर के साथ और साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी युवाओं और सभी कार्यकर्ताओं के साथ, और इन्हें जिस प्रकार का दिशा निर्देश दिया था उसी प्रकार के उसी राहों में इन लोग ने चल करके ये इवेंट किया. तो तहे दिल से इनका धन्यवाद कहता हूँ और भारत माता की जय. जय हिंद, जय भारत. जय
जिस तरह से यहाँ पे रंगोली प्रतियोगिता रखा गया है एकदम, तुम्हें क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं एकदम सोसाइटी की प्रशंसा करना चाहूंगी कि यहाँ पे हमेशा सिलवासा की मोस्ट एक्टिव सोसाइटी है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जो आजादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वो इस सोसाइटी में 4 दिनों से लगातार फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, अलग अलग तरह की कॉम्पिटिशन रख के बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को इन्होंने बहुत ही इंस्पायर किया है। पैट्रियोटिज्म का ये महोत्सव, देशभक्ति का ये महोत्सव इस सोसाइटी में मैंने बहुत एक्टिवली देखा। कल ये रैली में भी जुड़े थे जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से थी, इंडिया रैली में हमारी, और हमेशा इस सोसाइटी में आना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आज ये रंगोली कॉम्पिटिशन इसीलिए रखी गई है कि हम झंडा लेकर तो रैली कर ही रहे हैं, लेकिन सबके दिल से भावनाएं जो हैं राष्ट्र प्रेम की, वो उन्हें रंगोली में दिखानी है। धन्यवाद। धन्यवाद।